तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बाउंड्री लेयर थ्योरी हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि बाउंड्री लेयर क्या होती है। जब फ्लूइड की विस्कोसिटी बहुत स्मॉल हो तो ऐसे फ्लूइड के ऐसे फ्लो में रेनॉल्ड नंबर बहुत हाई होगा। हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो में को टैकल करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया प्रेंडल ने, वो बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट दिया। उनका कहना था कि बाउंड्री के करीब एक थिन लेयर होती है जिसके अंदर विस्कोसिटी का प्रभाव डोमिनेंट होता है। वहाँ पे विस्कोसिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उस लेयर के बाहर विस्कोसिटी को बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है, यानी वहाँ पर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की जगह आयलर इक्वेशन यूज़ कर लें तो चलेगा, लेकिन बाउंड्री लेयर के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। अब हम इस लेक्चर में एक सिंपल फ्लो ले रहे हैं, टू डायमेंशनल फ्लो ले रहे हैं जो कि एक प्लेट है, फाइनाइट लेंथ की प्लेट है, और वो फ्लूइड में सबमर्ज्ड है, यानी चारों तरफ फ्लूइड है और लो विस्कोसिटी है, स्मॉल विस्कोसिटी का फ्लूइड है, एयर ले सकते हैं। उसके अंदर प्लेट रखी हुई है और वहां पर जो बाउंड्री लेयर डेवलप होगी उसके ऊपर बनेगी, उस बाउंड्री लेयर के अंदर जो इक्वेशंस वैलिड होंगे, जिसे प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन कहा जाता है। प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन का मतलब वो इक्वेशन जो बाउंड्री लेयर के अंदर यूज की जाएंगी, तो यहां पर हम उनको डिराइव करेंगे। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को बाउंड्री लेयर के अंदर एज इट इज यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जो सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशंस मिलेंगी, दैट इज कॉल्ड प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन। उसी को हमें इस लेक्चर में देखना है। तो देखिए, प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। तो टू डायमेंशनल फ्लो में हमने एक प्लेट ली है, फ्लैट प्लेट है, जिसकी लंबाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और चौड़ाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और इस पर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। मान लीजिए कि एक स्ट्रीम, यूनिफॉर्म स्ट्रीम है जिसकी वेलोसिटी यू है, ये फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो जब इस प्लेट पर पहुंचेगा, ये फ्लूइड जब इस प्लेट के करीब पहुंचेगा, तो यहां पर इसके करीब एक प्लेट के ऊपर एक थिन लेयर बन जाएगी। ऊपर भी बनेगी, नीचे भी बनेगी, जहां फ्लूइड होगा वहां बनेगी, जहां फ्लो हो रहा होगा। तो जैसा नीचे होगा वैसे ऊपर होगा, तो एक तरफ लेते हैं। तो यहां से एज से इसके बाउंड्री लेयर बनना शुरू होगी और धीरे धीरे डेवलप होगी और फिर बाद में पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी। तो माना कि जो है कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस डेल्टा स्मॉल होगी, बहुत ही डेल्टा जो लेंथ है बहुत स्मॉल होगी, और ये जो प्लेट की लंबाई है वो L है। इस तरीके का फ्लो है। तो टू डायमेंशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये X और Y पे ही डिपेंड करेगा, Z के साथ कुछ चेंज नहीं होगा। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो प्लेट के ऊपर इस तरीके से X एक्सिस के लॉन्ग फ्लो है, तो Z के साथ कोई चेंज नहीं होगा फ्लो प्रॉपर्टीज में। तो उसको छोड़ सकते हैं, यानी जेट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इसके लिए हम बाउंड्री लेयर इक्वेशन डिराइव करेंगे इस फ्लो के लिए। तो हियर वी हैव कंसीडर अ स्टडी टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ऑफ वेरी लार्ज विस्कोसिटी। लेट अस कंसीडर टू डायमेंशनल फ्लो ऑफ एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड of very
स्मॉल विस्कोसिटी पास्ट फ्लैट प्लेट सबमर्ज इन तो ये केस है तो नेवर स्ट्रक्चर क्वेश्चन क्या है नेवियर स्टोक्स इक्वेशन फॉर द प्रेजेंट फ्लो ऑफ फॉर द प्रेजेंट फ्लो ऑफ यहां पर हमने ठीक है डेल यू बाय डेल टी देखिए जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ये कंपोनेंट होगा और बाउंड्री लेयर के अंदर जैसा कि हमने बताया कि बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कोसिटी का प्रभाव होगा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी इसमें हम ले रहे हैं वी इस लेयर के अंदर ही ये वेलोसिटी मिलेगी बाहर तो स्टीम की वेलोसिटी होगी पूरी तरीके से एक्स एक्सिस के अलोंग लेकिन बाउंड्री के लेयर के अंदर ये वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग मिल सकती है देखेंगे उसको क्यों मिलेगी तो और जेड एक्सिस के अलोंग हमें लेना नहीं है तो ये डब्ल्यू होगा नहीं तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो बनेगा इसमें यू डेल यू बाय डेल एक्स वी डेल यू बाय डेल वाई और इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कोई बॉडी फोर्स नहीं है बाहरी ये हो गया ये क्वेश्चन होती है हमें मालूम है एक्स एक्सिस के अलोंग ये होगी इसी तरीके से वाई एक्सिस के अलोंग ये भी हो जाएगा तो वाई एक्सिस के अलोंग जो क्वेश्चन होगी वो y एक्सिस के अलोंग ये इक्वेशन ये और साथ में क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी भी मिलेगा क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा टू डायमेंशन के केस में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की ये मान के चले कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो वी हैव दिस अब इन इक्वेशंस को नेवियर स्टोक्स इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इस केस में बाउंड्री लेयर के अंदर देखना चाहते हैं कि और कितना रिड्यूस हो सकती है क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है जो प्रिंडल ने किया है इसके लिए हम क्या करेंगे कौन से टर्म रख रहे हैं कौन से टर्म छूटेंगे किनका प्रभाव ज्यादा है किनका प्रभाव कम है
इसके आधार पर हम इसमें कितने टन रखने हैं, कितने छोड़ने ये देखें। उसके लिए हमको इनका ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। ऑर्डर कैलकुलेट करने का मतलब ये है, हम देखेंगे कि ये जो क्वांटिटी इसमें अपीयर हुई है, वेलोसिटी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, ये जो क्वांटिटीज हैं, प्रेशर, विस्कोसिटी, इनका हम प्रभाव देखेंगे सभी टर्म में, तो उनका ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि एक टर्म है, फॉर एग्जांपल कि इस टर्म का जो ऑर्डर है वो 10^5 है। ये क्वांटिटीज जो है वो इस तरह की हैं, इस ऑर्डर की हैं, कि इनकी जो वैल्यू रखेंगे तो मान लीजिए 10^5 ऑर्डर की बनती है। और दूसरे टर्म मान लीजिए कि ये है, ये है, ये ऑर्डर 10 के ही है, मतलब 10^1 के है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। इसके इसके कंपेयर में इनका प्रभाव बहुत कम होगा, जो जिनका ऑर्डर बहुत कम, तो स्मॉल ऑर्डर वालों को फिर ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि उनका प्रभाव नहीं है। जो प्रभावशाली टर्म है उनको रखेंगे इसमें। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया गया। तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करें उस पर आइए। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक लेंथ को यूज करेंगे। जैसे ये जो हमारा फ्लो है इसमें एक्स एक्सिस के अलावा अगर कोई डिस्टेंस लेनी है तो कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस हो जाएगी वहां पे लेंथ ऑफ प्लेट एल। वाई एक्सिस के अलावा कोई लेंथ लेनी है, चूंकि हम बाउंड्री लेयर के अंदर की बात कर रहे हैं तो यहां पर बाउंड्री लेयर के अंदर वाई एक्सिस के अलावा कोई लेंथ लेनी है तो ये इसकी थिकनेस। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी ले रहे हैं, मेन स्ट्रीम वेलोसिटी जैसा हमने बताया आपको कि अगर यू है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो उस करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी यू ले, यानी इसी से तुलना करेंगे फिर किसी दूसरी वेलोसिटी की करनी है एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो हमको मालूम नहीं है, कोई करेक्टरिस्टिक वेलोसिटी हमें वाई एक्सिस के अलोंग मालूम नहीं है, उसको हम पता करेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो भी है उसको v ले लेंगे और उसको देखेंगे कि उसका क्या होगा। जो हमें पता है अभी उनके टर्म्स में देखिए, x एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो l, y एक्सिस के अलोंग जो लेंथ है वो डेल्टा, x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो u। और इसी तरीके से अगर टाइम की बात करें तो करेक्टरिस्टिक टाइम क्या हो जाएगा, टाइम तो टाइम है, वो x और y एक्सिस के अलोंग तो होगा नहीं, तो किन्हीं से भी यानी एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में टाइम पता कर सकते हैं। और कोई भी ले लें, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग चाहे वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो क्वांटिटीज में पता है उनके टर्म्स में अगर टाइम को देखें तो टाइम क्या होगा, लेंथ बाई वेलोसिटी, लेंथ बाई वेलोसिटी, तो लेंथ एल बाई वेलोसिटी, तो करेक्टरिस्टिक टाइम जो है हमारा वो ये हो जाएगा। यानी इस समय से ही तुलना करेंगे किसी भी दूसरे टाइम की जो इसमें अपीयर हुआ है फ्लो में। और प्रेशर जहां तक है बात, तो प्रेशर जो है, जो ओवरऑल प्रेशर है, मान लीजिए कि वो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यानी कि बाउंड्री लेयर के बाहर एक तरह से, मान लीजिए कि पी इनफाइनाइट है, यही प्रेशर है हर जगह बाहर, अंदर चेंज हो सकता है लेकिन ऑर्डर इसका वही है, इतना ज्यादा नहीं चेंज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर है, एटमॉस्फेयर में कोई रखी है बॉडी, तो अंदर अचानक से इतना प्रेशर में चेंज नहीं है, तो प्रेशर जो बाहर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है वो। अब इसको देखिए कैसे यूज करना है। In order to compare various terms in
इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये ले लीजिए, 1, 2 और 3 वी वी कंसीडर we use non-dimensional variables, we use non-dimensional quantities x star, y star, u star, v star, t star, p star, s follows. ये non-dimensional quantities हैं, यानी x-axis के अलावा जो distance है, y-axis के अलावा जो distance है, x एक्सिस के अलावा वेलोसिटी, y एक्सिस के अलावा वेलोसिटी, टाइम, प्रेशर, इसको कैसे हम यूज कर रहे हैं देखिए। T is equal to, और ये characteristic time हमने अभी बताया, where L here L delta U V are characteristic quantities of the fluid. ये characteristic length है x axis के अलावा, ये characteristic length है y axis के अलावा, ये characteristic velocity है x axis के अलावा, ये characteristic velocity है y axis के अलावा, ये characteristic pressure है। तो non-dimensional quantity कैसे बनाएंगे? X is the length, L is the length, X by L. जब ये करेंगे तो हमें मिलेगा X bar, that is non-dimensional length. दो length को compare करके मिलेगी, उनका ratio है और ये non-dimensional है. इसी तरीके से ये Y star, Y by delta, length by length, ये भी non-dimensional होगी. इसी तरीके से ये non-dimensional होगी, velocity by velocity. ऐसे ही time by time, non-dimensional. तो ये जो star quantities हैं, जिनके ऊपर स्टार लगा है, ये सब नॉन डायमेंशनल है। नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज जब इक्वेशन में रखें, के टर्म्स में इक्वेशन में रखेंगे जब, तब हमको इनका ऑर्डर कंपेयर हो पाएगा, तब ऑर्डर हम ठीक से कंपेयर कर पाएंगे। तो ये इसमें रखें, पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से शुरू करें।
क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी में इसको रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा. यूजिंग दीज नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स इन इक्वेशन थ्री, देखिए यूजिंग नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स इन इक्वेशन थ्री तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी यू. तो यू इज यू स्टार बाय यू, यू स्टार इंटू यू. तो यहां रखेंगे तो यू स्टार इंटू यू. यू तो फिक्स्ड है यानी कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं यहां डेरिवेटिव बाई एक्स. एक्स इज एक्स स्टार एल, एल इज कांस्टेंट, ये बाहर ले सकते तो ये टर्म ये बनेगा. वी देखिए वी में इसको यूज करके तो ये कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी है बाहर आ जाएगी. वाई के अलॉन्ग जो लेंथ है इज दिस, तो वी गेट दिस. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें यहां लाए इसको This is equal to this. अब इस इक्वेशन में ये इसके बराबर है. ये देखिए ये नॉन डायमेंशनल है, ये नॉन डायमेंशनल है, ये दोनों का रेशियो नॉन डायमेंशनल है. इसका ऑर्डर वन होगा, इसका ऑर्डर वन होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई डायमेंशन नहीं. तो इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है, डिवाइड करेंगे उसका भी ऑर्डर वन है. तो ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है तो इसका भी ऑर्डर वन ही होना चाहिए. अब ये चूंकि नॉन डायमेंशनल है दोनों, इसका ऑर्डर वन, इसका ऑर्डर वन, तो ये जो है टर्म लिखा हुआ इसका तो ऑर्डर वन होगा, है ना, इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है और ये इसके बराबर है, इससे पूरे का ऑर्डर वन होना चाहिए. तो इसका ऑर्डर वन होगा क्लियरली, ऑर्डर ऑफ, हम ऑर्डर पे फोकस कर रहे हैं, इसे प्लस माइनस साइन का कोई मतलब नहीं. दिस इज ऑफ ऑर्डर वन, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी का ऑर्डर है यानी वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी उसका जो ऑर्डर है वो किसके ऑर्डर के बराबर हो, ये सब क्वांटिटी डिजाइन है इसके ऑर्डर के बराबर. ऑर्डर ऑफ बी इज ऑफ ऑर्डर दिस. यू और एल तो मॉडरेट ऑर्डर के हैं जो भी है. जो यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है बाउंड्री लेयर थिकनेस. तो इस वेलोसिटी का ऑर्डर बाउंड्री लेयर के थिकनेस पर डिपेंड करेगा. यू कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर बाउंड्री लेयर थिकनेस के ऑर्डर से गवर्न होगा, यानी बाउंड्री लेयर के अंदर वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो बाउंड्री लेयर के थिकनेस पर डिपेंड करेगा. डिपेंड करेगी ठीक है. और क्या मिलता है, एक तो ये टर्म आपको रिलेशन ध्यान रखना है,
ये जो मिला है इसको फोर कर लेते हैं। इसके अलावा यहां से एक बात और पता चलती है जो वो ये पता चलती है इसका ऑर्डर इसके बराबर है और इसका ऑर्डर बहुत स्मॉल है। तो ये तय हो गया कि वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के अलावा उसका ऑर्डर और जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलावा उसके ऑर्डर में क्या रिलेशन है। ऑर्डर ऑफ बी इज वेरी वेरी स्मॉल देन ऑर्डर ऑफ यू, इससे बहुत कम है ऑर्डर। यानी वाई एक्सिस के अलावा जो वेलोसिटी है बाउंड्री लेयर के अंदर उसके कंपेयर में एक्स एक्सिस के अलावा जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, जो कि यहां से दिख रहा है। क्योंकि अगर यू का ऑर्डर आप देखिएगा तो ये डेल्टा नीचे आ जाएगा और डेल्टा का ऑर्डर तो बहुत स्मॉल है, हमें मालूम है बाउंड्री लेयर थिकनेस। तो जब डिनोमिनेटर में ये ऑर्डर बहुत स्मॉल होगा तो ओवरऑल ये ऑर्डर बहुत हाई हो जाएगा। यू का ऑर्डर वी के कंपेयर में बहुत हाई है, ये एक बात पता चली। अब आप आइए जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है उनको जरा उनके टर्म्स जो है उनको कंपेयर करिए। ये जो है यहां ऑर्डर ऑफ बी इज ऑफ ऑर्डर यू डेल्टा वाई, कंसीडर इक्वेशन टू, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन टू। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन टू देखिए ये कैसे बदलेगा। देखिए तो इक्वेशन थी डेल यू बाई डेल टी प्लस यू अब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज रखिए इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज इसके अंदर रखिए, वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करिए। तो वो ये थे U इज इक्वल टू कैपिटल U U स्टार, V इज इक्वल टू कैपिटल V V स्टार, x is equal to l, y is equal to this, t is equal to this, and t is equal to this.
ये रखिए यहां पर, तो रखने पे क्या मिलेगा देखिए, u इज u u स्टार, b रखिए तो ये हो जाएगा l u स्क्वायर, प्लस u स्क्वायर बाई l u स्टार डेल, ये वैल्यूज रखेंगे ये हमको मिलता चला जाएगा b u ये इसके अंदर ये वैल्यूज रखेंगे तो ये मिलेगा। अब जरा सारे टर्म को देखिए, ये फिर से यहां से हटाना पड़ेगा, जगह नहीं, इसको डिवाइड कर लीजिए पूरी क्वेश्चन को यू स्क्वायर बाई एल से, तो ये आपको मिलेगा। देखिए ये जब डिवाइड करेंगे तो ये तो क्लियर है, ये क्लियर है, यहां पे देखिए ये आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा, और यहां पे देखिए ये टर्म था न्यू यू बाई एल स्क्वायर, ये डिवाइड हो गया यहां पे, तो व्हाट यू गेट, एल कैंसिल हो जाएगा, यू कैंसिल हो जाएगा, यू नीचे आएगा, न्यू बाई यू एल यह, और ये क्या है, ये वन अपॉन रेनॉल्ड नंबर है, वन अपॉन रेनॉल्ड नंबर, तो ये ले लिया और जो बाकी अंदर चलते, तो ये करेक्ट नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने पर ये नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इसमें तब्दील हो जाएगी। अब देखिए ये स्टार क्वांटिटीज ही है, यहां पे केवल इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है, इसका ऑर्डर वन है,
इसका ऑर्डर वन है, इसका वन नहीं होगा, इसको लेते हैं। और ये अभी हमने देखा था, यहां देखिए वी एल बाई यू डेल्टा, इसका ऑर्डर वन हो जाएगा। देखिए इसका ऑर्डर वन है, इसका भी ऑर्डर वन है। अब इधर आइए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑर्डर वन है और ये बराबर है इसके राइट हैंड साइड के, तो राइट हैंड साइड का भी ऑर्डर वन होना चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन बराबर होंगे, नहीं तो कंपेयर कैसे हो पाए, तो बराबर कैसे हो पाए, नहीं हो पाए। एक 10^5 वाला ऑर्डर का टर्न एक 10^1 वाले के तो बराबर नहीं हो सकता, ऑर्डर सेम होने चाहिए। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग टर्म्स के ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इक्वेशन में राइट और लेफ्ट बराबर होने चाहिए। तो यहां देखिए ये जो सेकेंड टर्म है इसका विस्कोसिटी इसके अंदर है, यहां विस्कोसिटी कहीं नहीं है, आती भी नहीं है, यहां विस्कोसिटी नहीं है, यहां विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी का ही तो इफेक्ट देखना है बाउंड्री लेयर के अंदर। विस्कोसिटी लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के सेकेंड टर्म में है, तो सेकेंड टर्म जो है वो दो टर्म्स से मिलकर बना है, सम ऑफ दीज टू टर्म्स, तो ये दो टर्म्स है, इनको देखिए इनके ऑर्डर देखा गया 1/Reynolds नंबर, जैसा कि बताया कि विस्कोसिटी बहुत स्मॉल है तो Reynolds नंबर बहुत हाई हो, तो Reynolds नंबर बहुत हाई होने से 1/R स्मॉल होगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो 1/R स्मॉल है तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका ऑर्डर 1 है, तो इस टर्म का जो ऑर्डर है 1/R यानी कि बहुत ही स्मॉल है, इस टर्म का ऑर्डर स्मॉल है। यहां पे आइए, दिस इज 1/R इंटू दिस, 1/R का ऑर्डर स्मॉल है जैसा अभी देखा, लेकिन हमें मालूम है कि डेल्टा का ऑर्डर स्मॉल होता है, तो 1/Δ² का ऑर्डर लार्ज होगा, तो 1/Δ² L इज ए मॉडरेट नंबर, लेंथ ऑफ प्लेट, तो 1/Δ² का ऑर्डर स्मॉल होने से, सॉरी डेल्टा का ऑर्डर स्मॉल होने से 1/Δ² का ऑर्डर बहुत लार्ज हो जाए और इसका ऑर्डर बहुत स्मॉल है, तो ये जब दोनों प्रोडक्ट करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर जो है जो भी बनेगा इसका और इसका मल्टीप्लाई होने पे, एक का ऑर्डर स्मॉल है एक का ऑर्डर लार्ज है, तो कुछ मॉडरेट ऑर्डर का बनेगा, लेकिन 1/R का ऑर्डर स्मॉल होने से इस टर्म का ऑर्डर स्मॉल होगा और इस टर्म का ऑर्डर 1/R का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये वाला लार्ज ऑर्डर मल्टीप्लाई हो चुका है, तो कुछ तो बढ़ जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, तो इन दोनों टर्म को अगर कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो हम ये पाते हैं कि इस टर्म का ऑर्डर इसके अपेक्षा बहुत स्मॉल है, नंबर इज लार्ज, दिस इज स्मॉल, इस टर्म का ऑर्डर इसके कंपेयर में बहुत स्मॉल है, ये हमने पाया। और बाकी राइट और लेफ्ट के ऑर्डर सेम होंगे, यानी कि इसका ऑर्डर भी वन होना चाहिए, इस पूरे का ऑर्डर वन होना चाहिए, लेकिन इसमें दो टर्म है तो इसमें एक कम से कम वन ऑर्डर होगा, तो एक्चुअली यही वन ऑर्डर का है, ये तो स्मॉल है, ये वन ऑर्डर का है, ये वन ऑर्डर का होना चाहिए, तो इसमें वन ऑर्डर का एक कम से कम टर्म मिलना चाहिए और बाकी सब उससे स्मॉल होने चाहिए, तो ओवरऑल ऑर्डर वन हो जाए। तो एक टर्म ये है और एक टर्म ये, इसमें हमने देखा कि इसका ऑर्डर तो बहुत स्मॉल है, तो ये बचा और ये बचा, इसका ऑर्डर वन होगा, इसमें कहीं ना तो बाउंड्री लेयर थिकनेस है ना Reynolds नंबर है, तो इसमें जो भी टर्म है सब मॉडरेट ऑर्डर के, एक्चुअली ये वन ऑर्डर का टर्म बने। अब इसमें बात आती है कि इसका ऑर्डर भी तो स्मॉल नहीं है, वन से बहुत स्मॉल तो नहीं है कि इसको भी छोड़ नहीं, इसको अगर छोड़ दिया, ये तो तय है कि इसका ऑर्डर स्मॉल है, देख लिया,
इसके कंपेयर में। अब बात यह है कि इसका ऑर्डर क्या है, क्या इसका भी इतना छोटा है वन के कंपेयर में, इसको भी छोड़ दे, सवाल यह है। तो उसमें यह है कि अगर इसको छोड़ देंगे तो विस्कोसिटी का तो एक प्रभाव खत्म हो जाएगा, विस्कोसिटी का जो भी प्रभाव है वो यही है, ये तो छोड़ ही रहे हैं, बहुत स्मॉल ऑर्डर का है, अगर इसको भी छोड़ा तो विस्कोसिटी का तो प्रभाव खत्म हो जाएगा पूरी इक्वेशन में, विस्कोसिटी का ही इफेक्ट तो देख रहे हैं, और वो है विस्कोसिटी का इफेक्ट बाउंड्री लेयर के अंदर। तो हम इसको ड्रॉप करेंगे टर्म को और इस टर्म को रखेंगे, क्यों रखेंगे कि इसका ऑर्डर स्मॉल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता वो भी हमने देखा, स्मॉल नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो सकता क्योंकि विस्कोसिटी का इफेक्ट इसी के अंदर है, ये टर्म जो है खत्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, तो इस टर्म को हम ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा है, तो इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ना जरूरी है, छोड़ सकते हैं, इतना छोटा है कि छोड़ सकते हैं, तभी तो सिंप्लीफिकेशन होगा, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, सवाल यह कि क्या छोड़े, जिसका ऑर्डर स्मॉल होगा उसे छोड़ देंगे, तो इस टर्म का ऑर्डर इसके कंपेयर में बहुत स्मॉल, इसको ड्रॉप कर देंगे। तो और भी जो बात जानने को मिली कि ये दिस इंटू दिस, इसका ऑर्डर वन होगा ऑल्सो, ऑर्डर ऑफ वन बाय आर इज वेरी स्मॉल एंड ऑर्डर ऑफ दिस टर्म मीन्स वन बाय आर एल स्क्वायर बाय डेल्टा स्क्वायर इज ऑफ ऑर्डर वन, ये वन ऑर्डर का होगा, छोड़ने लायक नहीं है, इसी के कंपेयर में होगा, इज ऑफ ऑर्डर वन। तो इससे एक हमें एक नई चीज मिलेगी कि रेनॉल्ड नंबर का ऑर्डर क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर और बाउंड्री लेयर थिकनेस में रिलेशन मिल जाएगा, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ दिस इज ऑफ ऑर्डर वन बाई आर, ऑफ ऑर्डर वन बाई आर एंड आर रूट टू टर्म, ये होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस और रेनॉल्ड नंबर में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे रिड्यूस हो गई, देयरफॉर दिस इक्वेशन जो टू थी रिड्यूस टू इक्वेशन, इसमें रिड्यूस हो जाएगी, इसका ये टर्म हम छोड़ देंगे, इस इक्वेशन में रिड्यूस। तो देखिए ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन इस इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, यानी बाउंड्री लेयर के अंदर हम इस नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की जगह पर इस इक्वेशन को यूज करें, यही प्रिंडल्स की ने बताया, यही प्रिंडल की बाउंड्री लेयर इक्वेशन है जिसमें से एक है, और दूसरी जो इक्वेशन है उसका क्या होगा उसको अगर आप देखेंगे ऑल्सो, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन थ्री आफ्टर
इन टर्म्स ऑफ नॉन डायमेंशनल वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स इज, ये होगी। देखिए हम वैल्यू सीधे रख रहे हैं और रखने के बाद जो मिलेगा उसको बता रहे हैं। जो दूसरी y एक्सिस के अलोंग इक्वेशन थी उसमें नाइन नॉन डायमेंशनल वेरिएबल रखने पर जो हमको मिलेगा उसको हम यहां लिख रहे हैं। ये जरा इनके ऑर्डर देखिए, इन टर्म्स के ऑर्डर देखिए। इसको भी कम करके लेते हैं। देखिए हमें इनका ऑर्डर मालूम होगा, वी का ऑर्डर जो है डेल्टा का ऑर्डर था, बाकी तो सब मॉडरेट ऑर्डर था। तो वी का ऑर्डर डेल्टा का ऑर्डर था, तो इस टर्म का ऑर्डर एक्चुअली डेल्टा, ये तो वन होगा, यू बहुत लार्ज है वी के कंपेयर में, तो इसका जो ऑर्डर है वो डेल्टा का ऑर्डर था, ये हम देख चुके थे। ये हमने देखा ऑर्डर ऑफ वी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ यू डेल्टा बाय एल, ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑफ यू बाय वी इज ऑफ ऑर्डर डेल्टा बाई एल भी रहेगा, एल जो लेंथ है वो मॉडरेट ऑर्डर की है, तो ये जो ऑर्डर है ये डेल्टा का ऑर्डर है इस टर्म। इसी तरीके से यहां पर भी दिस इज ऑफ ऑल्सो ऑर्डर डेल्टा। यहां पे देखिए तरफ बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज ऑफ ऑर्डर डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा है, तो दिस इज ऑफ ऑर्डर ऑल्सो ऑफ ऑर्डर डेल्टा, ये टर्म भी डेल्टा ऑर्डर का है, बाकी सब नॉन डायमेंशनल देख सकते हैं। बाकी और टर्म देखिए, ये ऑर्डर डेल्टा का है और ये 1 बाई आर है, ये भी हमने अभी रिलेशन देखा था, ऑर्डर ऑफ 1 बाई आर एल स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर इज ऑफ ऑर्डर 1, ये भी देखा था। तो 1 बाई आर और वी का ऑर्डर ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, डेल्टा स्क्वायर का ऑर्डर एक्चुअली, तो दिस इज ऑफ ऑर्डर डेल्टा स्क्वायर 1 बाई आर, दिस इज ऑफ ऑर्डर डेल्टा, तो ये डेल्टा क्यूब ऑर्डर हो गया, डेल्टा क्यूब ऑर्डर हो गया, दिस इज ऑफ ऑर्डर डेल्टा क्यूब, और ये तो 1 का है। ये यहां देखिए, ये डेल्टा क्यूब का है जब यहां मल्टीप्लाई होगा, और ये डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये वाला जो टर्म होगा वो डेल्टा
ऑर्डर का होगा, ये तो आप देख सकते हैं, और ये डेल्टा क्यूब ऑर्डर का होगा जब मल्टीप्लाई होके जाएगा अंदर। और ये वन बाय डेल्टा ऑर्डर, वन बाय डेल्टा ऑर्डर, लेकिन ये डेल्टा ऑर्डर का, ये डेल्टा ऑर्डर का, ये डेल्टा इज ए वेरी स्मॉल नंबर, तो इसका जो ऑर्डर है डेल्टा का ऑर्डर बहुत स्मॉल है। डेल्टा ऑर्डर, डेल्टा ऑर्डर, डेल्टा ऑर्डर, डेल्टा क्यूब ऑर्डर, डेल्टा ऑर्डर, डेल्टा ऑर्डर छोटा है, डेल्टा क्यूब और भी छोटा है। इस टर्म को देखिए, वन बाय डेल्टा स्क्वायर, वन बाय डेल्टा स्क्वायर इज वेरी लार्ज, बहुत लार्ज ऑर्डर का है, ये लार्ज ऑर्डर का है, और इसके कंपेयर में जो बाकी सारे टर्म है इसमें सब स्मॉल ऑर्डर के, सब स्मॉल ऑर्डर के, मतलब कंपेयर में देखें तो स्मॉल ऑर्डर के, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा क्यूब, ये डेल्टा, और ये बहुत लार्ज। तो बाकी सारे टर्म को ड्रॉप किया जा सकता है इसके कंपेयर में, यानी इसका ही जो प्रभाव होगा पूरी क्वेश्चन पे होगा, बाकी तो सब खत्म कुछ है। बाकी किसी टर्म का ऑर्डर बहुत स्मॉल है। तो हम केवल इस टर्म को रखेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो ये टर्म रखेंगे तो जो इक्वेशन थ्री थी वो किस में रिड्यूस हो जाएगी, इक्वेशन थ्री जो थी हमारी वो, बाकी सब टर्म छूट जाएंगे उसमें, केवल ये टर्म बचेगा। तो इक्वेशन थ्री रिड्यूस टू डेल पी बाय डेल वाई, डेल पी बाय डेल वाई इज इक्वल टू वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, बाकी तो सब छोड़ने पड़े। तो यू गेट अल्टीमेटली दिस रिलेशन, दिस इक्वेशन, तो इसको कर लेते हैं छह। तो जो दो नेवेली स्टोक्स इक्वेशन एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग थी उसमें हमने एक देखा था इक्वेशन फाइव में रिड्यूस हुई और एक इक्वेशन सिक्स में रिड्यूस हुई, और ये बताता है कि वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये सिर्फ इतना देता है। तो विदिन द बाउंड्री लेयर, विदिन द बाउंड्री लेयर गवर्निंग इक्वेशंस आर जो फ्लो को गवर्न करेंगी, गवर्निंग इक्वेशंस आर जो फिफ्थ इक्वेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये और ये और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये गवर्निंग इक्वेशन
these are called Prandtl's boundary layer equation for two-dimensional flow over a flat plate. Two-dimensional flow के लिए जो कि x और y axis के along है, उसके लिए बाउंड्री लेयर के अंदर जो इक्वेशन, बाउंड्री लेयर के बाहर की बात नहीं कर रहे, बाउंड्री लेयर के अंदर जो इक्वेशन फ्लो को गवर्न करेंगी वो ये, दीज आर कॉल्ड प्रांडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन. दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड प्रांडल boundary layer equation for two-dimensional flow, ये ध्यान रखिएगा, two-dimensional flow over a plate, ये उसके लिए है. तो जो खास बात हुई है वो ये हुई है कि x और y axis के लिए, इसमें देखिए जो steam flow था प्लेट से अलग, वो एक्स एक्सिस के अलोंग था. जब प्लेट पर पहुंचेगा तो जो बाउंड्री लेयर बनेगी उसके अंदर ये इक्वेशन मिलेगी हमें. तो देखिए ये एक्स एक्सिस के अलोंग है और वाई एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन है वो सिर्फ ये देती है, जो बताती है कि प्रेशर केवल एक्स के साथ वेरी करेगा, वाई का फंक्शन नहीं होगा. ये बताता है कि टी इज फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, वाई का नहीं. एक्चुअली यही इक्वेशन है जिसे सॉल्व करना है और साथ में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रहेगा. तो प्रांडल ने जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन था उसको काफी हद तक रिड्यूस किया और ये देखा कि जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है वो सिर्फ यहां है, किस एक टर्म में. यहां पे ये भी बताना होगा कि जो हमने फ्लो लिया है इस तरीके से, ये जो फ्लो हमने लिया है इसमें बाउंड्री कंडीशंस भी हैं. इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो बाउंड्री कंडीशंस भी है हमारे पास. वो है कि एक तो प्लेट के ऊपर वेलोसिटी जीरो, ये भी एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अलावा प्लेट पर वेलोसिटी जीरो है. जब वाई जीरो है तो जीरो, एंड व्हेन वाई टेंड टू इनफाइनाइट, यानी कि बाउंड्री लेयर के बाहर यू इज इक्वल टू कैपिटल यू, यानी जो मेन स्ट्रीम की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी है बाहर. तो इन कंडीशंस को हम यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. ये हम अगले टर्म में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे. तो दीज आर कॉल्ड प्रांडल्स बाउंड्री लेयर फॉर टू डायमेंशनल फ्लो. ये ध्यान रखिएगा, ये टू डायमेंशनल फ्लो के लिए प्रांडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन है जो कि बाउंड्री लेयर के अंदर ही वैलिड है, बाहर नहीं. थैंक यू.